लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इंडिया गठबंधन के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के लिए भी राहत लेकर आए हैं। पिछले साल दिसंबर में सांसदी जाने के बाद ये चुनाव उनके लिए नाक का सवाल बन गया था और उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से एक बार फिर सांसद बन गई है। महुआ ने बीजेपी उम्मीदवार अमृता राय को 56,705 वोटों से हरा दिया है। महुआ मोइत्रा को कुल 6,28,789 वोट मिले, वहीं बीजेपी की अमृता राय के हिस्से 5,72,084 वोट आए। तीसरे उम्मीदवार सीपीएम के एसएम सादी थे, उन्हें 1,80,201 वोट मिले। इस सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग हुई थी। महुआ मोइत्रा पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार यहां से चुनी गई थी। पिछले साल दिसंबर में पैसों के बदले सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था। ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं चुनाव जीतने के बाद महुआ मोइत्रा खासी उत्साहित नजर आई। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। महुआ ने कहा, मैं अपनी जीत से खुश हूं, लेकिन भारत में चल रही सांप्रदायिक राजनीति को देखते हुए और मोदी जी ने कहा था कि वे सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि ये चुनाव उनके खिलाफ हुए हैं। बंगाल में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। যেটা আমরা বলেছিলাম যে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেটা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করছে, আর মোদি তো বলেছিলেন উনি ক্যান্ডিডেট 543 সিটসে, তা আমি সবচেয়ে খুশি যে মোদি সাহেবের এগেনস্টে ভোটটা হয়েছে। আর মোদি সাহেব যে এই দুজন মিলে দেশটাকে নষ্ট করছিল তাদের এগেনস্টে যে ভোটটা হয়েছে আমি খুবই খুশি। বাংলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে, আমরা বলেছিলাম 29-30টা অভিষেক আগেই বলেছিল, ফার্স্ট রাউন্ডে 22 হয়ে গিয়েছিল, ফার্স্ট 6 রাউন্ডের পরে ঠিক সেই হিসাবেই আপনারা দেখুন 30 ক্রস করছে, 30 ছুঁই ছুঁই হচ্ছে আমাদের আর অল ইন্ডিয়াতে। আর আরেকটা জিনিস, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমকে এটা একটা খুব সতর্ক বার্তা, আপনারা যে বিজেপির টাকা খেয়ে বিজেপির লাড্ডু খেয়ে আপনারা যে ভুল খবর দেখান, এবার আশা করি আপনাদের শিক্ষা হয়েছে, কারণ যত বড় বড় সংবাদ মাধ্যম ওদের আজকে লাজে গোবর হয়ে গেছে। वहीं बात अगर महुआ मोइत्रा के निजी जीवन की करें तो राजनीति में आने से पहले महुआ इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। 2009 में उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री कर ली थी। पहले यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ी, फिर 2010 में तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गई। पार्टी में महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम किया। फिर 2016 के विधानसभा चुनाव में नदिया जिले की करीमपुर से चुनी गई। 2019 में सांसदी लड़ने के लिए विधायकी छोड़ी। पिछले चुनाव में महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता कल्याण चौबे को 63,000 वोटों से हराया था, लेकिन संसद की सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ था। पैसों के बदले इस सवाल मामले के बाद उन्हें खुद को जनता के बीच साबित करना था और वे ये करने में सफल भी रहीं। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पीछे रह गई है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वहां भी पिछली बार के मुकाबले कम ही सीटें पार्टी के खाते में आई। यहां बीजेपी को जहां 12 सीटें मिली तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस बार दम दिखाते हुए 29 सीटों पर कब्जा किया और कांग्रेस के खाते में महज एक सीट आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।